नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। आज हम दोस्तों कैसे लाइट को हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और उसके पैरामीटर को, उसकी इंटेंसिटी को, उसके वॉल्ट को, उसके कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं। यानी कि मैं आज आपको थोड़ा बहुत ब्लेंडर 2.8 में लाइटिंग के बारे में सिखाऊंगा। लाइटिंग कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर में एक लाइट दी जाती है, जिसको हम पॉइंट लाइट कहते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर में एक ही लाइट दी जाती है, ये वाली जो लाइट है वो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइट यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं लाइट को, और यहाँ पे आप जाएंगे तो लाइट का पैरामीटर आएगा। चार तरह की लाइट दी गई है हमें ब्लेंडर में, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइट का आप नेम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आपका प्रीव्यू रहेगा लाइट का, किस तरह से लाइट जो है वो आ रही है, कैसे मूव करेंगे। सिंपल हम ब्लेंडर में मूव का यूज़ करके मूव करेंगे, मूव टूल का यूज़ करके ही मूव करेंगे। तो शॉर्टकट जी, देन कौन सी डिरेक्शन में आपको जाना है, एक्स डिरेक्शन, देन वाई डिरेक्शन, आप सिंपल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप लाइट का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम रेंडर मोड में चले जाते हैं, यहाँ से रेंडर मोड में जाएंगे। अभी आपको दिख रहा है लाइट जो आ रहा है वो, यहाँ से है इसका कलर, कौन सा कलर आपको चाहिए लाइट का, यहाँ से आप डायरेक्टली कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पावर दिया है, पावर यानी इंटेंसिटी आपको कितना रखना है लाइट का, कम रखना है, ज़्यादा रखना है, बंद कर देना है, तो यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। ये लाइट बंद हो चुका है। 20 वोल्ट रखना है तो 20 वोल्ट रख सकते हैं। 50 वोल्ट का लैंप रखना है तो 50 वोल्ट का स्पीक्युलर लेवल कितना रखना है, मैक्सिमम 1 है, और यहाँ से आप कम, उससे ज़्यादा आप 1 से ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं जा सकते, डायरेक्ट आपको वो ऐड करना पड़ेगा स्पीक्युलर लेवल, ग्लोनेस। उसके बाद रेडियस कितना रखना है, कितना लाइट जो है वो फैलना चाहिए। जब लाइट का सोर्स पॉइंट यहाँ से निकलेगा तो यहाँ तक धीरे धीरे कितना जाएगा आगे तक। ठीक है, कस्टम डिस्टेंस अगर आपको ऐड करना है तो भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ से 40 मीटर 50 मीटर जितना आपको ऐड करना है कर सकते हैं। यहाँ से ये शेडो के पैरामीटर है, लाइटिंग में आपको शेडो चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको शेडो चाहिए तो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, शेडो का भी पैरामीटर आप को दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको डिफाइन करना है कि लाइट का वोल्टेज जो है वो कितना रखना है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने 250 वोल्ट की लाइट चाहिए मुझे, 250 वोल्ट। ठीक है, 300 वोल्ट हो गए, प्लस कर दिया उसने अपने आप। कलर, पावर, स्पीक्युलर, रेडियस कितना रखना है, देन आएगा शेडो। शेडो में सॉफ्टनेस कितनी चाहिए, बायस, एक्सपेंड कहाँ से करना है, ब्लेंड, बायस यानी जो मिक्सअप हो रहा है वो कितना करना है आपको, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अभी 0 है, अभी 1 है, यहाँ से मैं इसको अभी 0 कर रहा हूँ। तो बायस जो है शेडो का वो भी यहाँ पे मिक्स नहीं हो रहा है। एक्सपेंट कंटेंट कितना करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट शेडो, शेडो का डिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लाइट जो थी वो थी। उसके बाद ये एक सन लाइट है, अगर आपको सन क्रिएट करना है तो आप लाइट पे क्लिक कर सकते हैं, सनलाइट का भी आप यूज़ कर सकते हैं।